इसमें जो हमें एक थिन लेंस दे रखा है इसके इस तरफ एयर है और इस तरफ वाटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 दे रखा है बीच में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस की रेडियस जो है वो है 10 ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है अब बोला ये है कि x की वैल्यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x x डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिसके लिए फाइनली रेज जो बाहर आए वो कैसे जाएं पैरल ही जाए तो पैरल जब रेज जानी है तो वो पूरी यहीं से पैरल जानी पड़ेगी देख सकते हैं कि ये रेज जो है इस तरह से पैरल रही है फाइनली ठीक अब यहां से हम देखें तो ये रेज जो है इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा जब लाइट यहाँ से आएगी ऐसे और आगे जाएगी तो यहीं से पैरल हो जानी चाहिए तभी ये सरफेस से भी आगे पैरल निकल जाएगी और इस तरह से होगा ठीक है तो हमें क्या करना है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये वाला इस सरफेस के लिए हमें फॉर्मूला लगा देना है ठीक इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्री बाई टू है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है तो ये फॉर्मूला अपना लगेगा थ्री बाई टू माइनस वन 3/2 1 ओके v कितना हो जाएगा v कहाँ इमेज बनानी है इसको इस स्फेरिकल सरफेस को ही इंफिनिटी पे बनानी पड़ेगी तभी जो है इस सरफेस से भी क्या निकल जाएगी सीधे-सीधे पैरेलल ही निकल जाएगी आगे अच्छा u कितना होगा u हो जाएगा minus -x और रेडियस इसकी इसी तरफ है आगे की तरफ तो वो हो जाएगी plus +10 तो यहाँ से x ये तो 0 हो गई टर्म और ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन बाई एक्स इक्वल्स टू यहाँ से टू माइनस वन बाई ट्वेंटी तो एक्स की वैल्यू सीधे से ट्वेंटी सेंटीमीटर आ गई ठीक है तो देख सकते हैं इसका आंसर ट्वेंटी है